सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर मूवी के कैरेक्टर चार्लिस डेनिस के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की तो हमें इस फिल्म के ट्रेलर में सभी कैरेक्टर का रोल समझ में आ रहा है, लेकिन बात करें चार्लिस डेनिस के कैरेक्टर के बारे में तो अब तक उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, जिससे फैंस को ये नहीं पता लग पाया है कि वो इस फिल्म में कौन से कैरेक्टर का रोल कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ रूमर आए हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए तो ये एक रूमर ही है, लेकिन रूमर काफी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना दूं। और इस वीडियो को बनाने की काफी बार रिक्वेस्ट भी की गई है मुझसे, और वो रिक्वेस्ट की है आलोक जायसवाल ने। तो अब आ जाए इस वीडियो पर। तो रूमर ये है कि चार्लिस डेनिस का कैरेक्टर है असल में कॉन्ग द स्कल आइलैंड का कैप्टन जेम्स गॉड, जिसका रोल उस फिल्म में टॉम हिडलसन ने किया था। और देखा जाए तो ये रूमर कहीं ना कहीं सही भी लग रही है, क्योंकि वो फिल्म पास्ट की थी यानी 1973 की, और गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर प्रेजेंट की है। तो देखा जाए जेम्स का कैरेक्टर प्रेजेंट में शायद 43 का होगा। वेल, तो ये रूमर कहां से आया है उसकी भी मैं डिटेल आपको दे देता हूं। तो स्टूडियो की तरफ से कंफर्मेशन ये आई थी कि कॉन्ग द स्कल आइलैंड से एक कैरेक्टर हमें इस फिल्म में नजर आएगा, तो शायद वो कैरेक्टर चार्लिस डेन का ही है। और आपने ट्रेलर के एंड में भी सुना होगा जहाँ पर चार्लिस डेन लॉन्ग लिव द किंग कहते हैं, तो शायद ये डायलॉग कॉन्ग के लिए है, और यहाँ पर चार्लिस शायद वेगा को कॉन्ग के बारे में बता रहे होंगे। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये रूमर फैंस ने सही लगाए है या गलत। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।